ये फोन क्यों नहीं उठा रहे? अंकित, अंकित डाइनिंग टेबल पे आ जाओ। ठीक है? हाँ, मैंने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए केक बनाया है। पहली बार ट्राई किया है, टेस्ट करके बताओ ना कैसा है। पहली बार? सारे ट्रायल्स मुझ पे ही करने हैं क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब है अच्छी बात है, इट्स गुड, करने चाहिए। खाता हूँ ना मैं, दो मुझे तुम। कहीं इस केक में जहर तो नहीं मिलाया इसने? बज गया फोन, बज गया। बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, ये नेटवर्क नहीं है ना, मैं बाहर जाके बात करके आता हूँ और वापस आके केक खाता हूँ डार्लिंग। हाँ हेलो डार्लिंग, का बच्चा बेवकूफ समझता है मुझे। जबान कब से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहा? यस मैम। रमोना, आजकल जब भी अंकित का फोन आता है वो नेटवर्क खराब बोल के बाहर चला जाता है। तुम तो उसकी सेक्रेटरी हो ना, तुम्हें तो पता होगा, बता दो मुझे। नहीं मैम, मुझे तो कुछ नहीं पता। देखो रमोना, मुझे लग रहा है कि तुम अंकित पे सही से नजर नहीं रख रही हो, तो किस बात के पैसे देती हूँ मैं तुम्हें? सच्ची में मैम मुझे नहीं मालूम। अगर अंकित ने मेरा मुंह बंद नहीं किया होता ना, तो आज मैं आपको सब कुछ बता देती कि आगे आपके साथ क्या होने वाला है। ताशिया को चीट करने वाला जिंदा नहीं बचेगा। अगर तुमने केतकी को कभी भी मेरे बारे में बताया तो मैं ताशा को ये बता दूंगा कि वो 30 लाख तुमने चुराए हैं। मैं तेरी बीवी को कुछ बताऊं या ना बताऊं अंकित, लेकिन ताशा को तो मैं मार के रहूंगी। इस कंपनी को ज्वाइन करने के पीछे मेरा एक ही मकसद है, आज भी नहीं भूली हूं वो दिन जब इसने मेरे डैड से उनका बिजनेस छीन लिया था। अब मैं इससे इसका सब कुछ छीनूंगी, और अगर बीच में तू आया ना अंकित, तो मैं तेरा भी इंतजाम करूंगी। जबन, तेरा काम है उसे जान से मारना, और तू ये काम जितनी जल्दी करेगा ना उतना तेरे लिए अच्छा होगा। एक बात अपने दिमाग में डाल ले, मेरी बीवी जिंदा नहीं बचनी चाहिए। तुझे काम के आधे पैसे तो मिल चुके हैं, बाकी के आधे तब मिलेंगे जब तेरा काम पूरा हो जाएगा। अब ये काम कैसे होगा ये मैं तुझे बताता हूं। कल मेरी वाइफ धोबी घाट जा रही है, नशेड़ी एक नंबर की, नशा ना मिले ना तो बावली हो जाती है वो। एक बात को याद रखना, कल मेरी बीवी धोबी घाट से
जिंदा वापस नहीं आनी चाहिए। फिर आ गए। महीने में एक चक्कर यहाँ लगता ही रहता है इन लोगों का। मैडम, पहले ये पूरी जगह पानी से भरा हुआ था, लेकिन अब यहाँ लोग कपड़े धोने के लिए आते हैं। धोबी घाट में लोग कपड़े ही धोएंगे ना, फुटबॉल तो नहीं खेलेंगे। तुम ओवर एक्टिंग बंद करो। हाँ तो फिर और क्या होता है यहाँ पे? फिर कपड़े धोने के बाद लोग उसे इस तरह से सुखाते। मैडम, वो मशीन देख रही हैं आप, वहीं पे कपड़े धुलते हैं। आइए मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें दिखाता हूँ, आइए। ये लड़का तो पहले काम धाम नहीं करता था, अब गाइड बन गया है, बड़े बड़े लोगों के साथ रहने लगा है ये। मैडम, आप हमेशा मीटिंग के लिए यहाँ क्यों आती हैं? ये जगह बहुत खतरे वाली है, कभी पकड़े गए तो। मैडम देखिए ना, लोग हमें किस तरह से देख रहे हैं। अब तू मुझे सिखाएगा, ऊंची आवाज में बात करेगा मुझसे? देख मुझे गुस्सा मत दिला, मुझे गुस्सा आ गया तो तुझे पता है ना मैं क्या करूंगी। कैसे भूल सकता हूं ताशिया, कि तूने मेरे साथ क्या किया है। मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं मानता हूं। आपको आपको मुझे जो सजा देनी है आप दे दीजिए, मुझे मंजूर है, लेकिन प्लीज मेरी बीवी को छोड़ दीजिए। मैडम, मेरी बीवी के साथ कुछ मत कीजिए। चल, तुम्हें माफ किया। लेकिन इस गलती की कुछ तो सजा मिलेगी। मैडम, ये जो जगह देख रही है ना आप, यहां से आपको धोबी घाट का पूरा एक्चुअल व्यू दिखेगा। आइए ऊपर से मैं आपको दिखाता हूं, आइए आराम से देखिए। मैडम, यहां से क्या व्यू दिखता है धोबी घाट का। ये अभी तक आई क्यों नहीं? आ गई मैम, क्यों बुलाया था मुझे यहाँ? तुम्हारा वेट करने का इतना टाइम नहीं है मेरे पास, इतनी देर क्यों लगा दी? मैं अपने पति से छिप कर यहाँ आई हूँ, वो मुझे बाहर नहीं जाने देता। जल्दी बोलो क्या काम है। कपड़े देने का क्या मतलब है? मतलब की चीज इसके अंदर है। गन? ये क्यों दे रही हो मुझे? तुम्हें इससे अपने पति को मारना होगा।
कोई सवाल जवाब नहीं, बस उसे मार डालो। मैं अपने पति को नहीं मार सकती, वो एटीएम है मेरा, मेरा नाम, मेरा स्टेटस, सब सब उसका दिया हुआ है। और वो तो तुम्हारा पार्टनर है ना, अंडरवर्ल्ड के सारे कामों में तुम्हारी हेल्प करता है, तुम उसे मारना क्यों चाहती हो ताशिया? तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, ये काम तो तुम्हें करना ही होगा, वरना जब से तुम मेरे लिए काम कर रही हो सब चिट्ठे हैं मेरे पास, उस दिन से जिस दिन से तुम्हें ड्रग्स की लत लग गई थी। नाशी, नाशी बस एक डोज दे देना यार, एक डोज यार, मैं मर जाऊंगी, मेरी सांसें अटक रही है, फिर मैं आसमान, देख देख हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे, देखना यार पूरे शरीर में कीड़े निकले हैं यार, एक ग्लास पास दे दे और मैं मर जाऊंगी, प्लीज। केतकी, मेरे सामने गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं, अगर तुम्हें जिंदा रहने के लिए ड्रग्स चाहिए तो तुम्हें हर वो काम करना होगा जो मैं तुमसे कहूँ। सब सब करूँगी, निश्चय से तुम बोलोगे सब करूँगी, बस एक क्लास मार देते, एक मिनट रुको। थैंक यू ठीक है, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो? वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। इसके तो हाथ कांप रहे हैं, और वैसे भी ये होश में कहाँ रहती है, इससे गोली चल भी पाएगी? और हमारे लिए काम कर रही है, अगर अगर गोली चलाने की जगह दिमाग चला के पुलिस के पास चली गई तो? कैसे जाएगी, जैसे तुमने 2 साल पहले जाने की कोशिश की थी वैसे? राका, बच्चे को आइसक्रीम खिलाओ, जाओ बेटा अंकल के साथ जाओ। चीकू मैम, मैम चीकू मैम, तुम्हें क्या लगता है तुम अपने भाई के साथ मेरा काम छोड़कर यहां से भाग जाओगी? तुम्हारा भाई अब मेरी अमानत है, और वो तब तक जिंदा रहेगा जब तक तुम मेरे लिए काम करोगी। अगर तुमने, आप जैसा कहेंगे, आप जो कहेंगे मैं करूंगी, प्लीज आप मेरे भाई को कुछ मत करना प्लीज। गुड गर्ल। सही कह रही है मैम, आप आपका जो भी काम है वो करना ही पड़ता है। सुन लिया केतकी, काम हो जाएगा ना? ठीक है, मैं मार दूंगी। अंकित, ताशिया और केतकी, इन तीनों की जान खतरे में है, कौन होगा पहला शिकार और कौन होगा शिकारी, है कोई जवाब? ये गन ऐसे ही तो लेके नहीं आएगा, किसी को मारने ही आया होगा वो। हाँ साहब, कपड़े सुखाने के लिए डाले थे और कपड़े के पीछे वो आदमी बंदूक लेके खड़ा था, मेरा धक्का लगा और वो गिर गया और गोली चल गई साहब, और साहब हम लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो भाग गया। लेकिन सर किसको मारने आया था पता कैसे चलेगा? आप में से किसी ने उस आदमी को पहले यहाँ पे देखा था? हाँ, मतलब वो आदमी आप लोगों में से किसी को मारने आया होगा या फिर किसी और को? अच्छा,
आपने उस वक्त किसी को यहाँ पे देखा था जिसे यहाँ धोबी घाट पे नहीं होना चाहिए था, जिसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है? आई थी साहब, एक खूबसूरत सी टिप टॉप सी मैडम आई थी, दो लोगों के साथ और एक औरत आई थी, नारंगी रंग की साड़ी पहनी थी, वो धोबंती साहब, चेहरा ढका हुआ था, चेहरा दिखा नहीं साहब, पूरे चार लोग थे साहब। सर, सर ये आदमी कह रहा है कि जब भगदड़ मची थी तब उसने एक औरत के हाथ में बंदूक देखी थी। क्या? एक और औरत बंदूक के साथ? कमाल है, एक औरत आती है यहाँ पे बंदूक के साथ, एक आदमी आता है यहाँ पे बंदूक के साथ, कुछ लोग यहाँ पे मीटिंग करने आते हैं, चल क्या रहे यहाँ पे? वो विहान लेकर आता है साहब लोगों को। अब ये विहान कौन? विहान पहले पास की चाल में रहता था, लेकिन अब कहाँ रहता है पता नहीं। ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पे आए थे उनके स्केचेस बनवाने में हमारी मदद करो। अरे नारंगी साड़ी वाली औरत, वो कौन है पहले वो पता करना पड़ेगा। मैं अंकित को मारूंगी, लेकिन केतकी बनकर नहीं, ताशिया बनकर। नाम कहे चप्पन, कॉन्ट्रैक्ट किलर, मेरी बीवी को मारने को बोला वो नहीं काम होता। केतकी, ये केतकी थी क्या? ये दोनों यहां पे क्या कर रहे हैं? हटिए, चलो हटिए। एक्सक्यूज मी, जरा पीछे आइए, पीछे आइए। सर ये तो वही है जिन लोगों को धोबी घाट में देखा गया था, उनमें से एक लड़की ये भी थी। तब इसी लड़की की जान खतरे में थी,
वो आदमी धोबी घाट पे गन लेके है, इसे ही मारने आया था। सर बाइक कनपट्टी में गोली मारी है। यहाँ पे किसी ने कुछ देखा? क्या हुआ था यहाँ? नहीं सर, गोली की आवाज नहीं सुनाई दी, बस ये मैडम जब गिरी तब देखा। किसी को गोली चलाकर भागते हुए देखा क्या? नहीं सर, ये मैडम जब गिरी तब यहाँ भीड़ होने लगी, मैं भी यहीं पर था। कमाल है, इस सड़क पे इतनी भीड़ भाड़ है, किसी ने इस सड़क पे एक लड़की को गोली मार दी और किसी ने कुछ नहीं देखा। इस लड़की के साथ कोई और भी था? नहीं सर। सर लड़की का नाम ताशिया है। सभी सोशल नेटवर्किंग साइट पे सारे स्केचेस अपलोड कर दिए गए हैं सर, कई ग्रुप में शेयर भी कर दिया है। कोई ना कोई तो होगा जो इन्हें पहचान लेगा। एक भी लीड मिला सर तो काफी है। ताशिया के सारे फोन रिकॉर्ड्स चेक किए और उसके कॉन्टैक्ट्स की डिटेल्स भी निकाल ली, मगर कहीं कोई गड़बड़ नहीं दिख रही है। सर, सर फेसबुक पे रिस्पॉन्स आया, कुछ लोगों ने दो स्केच को पहचाना है। इस लड़के का नाम है विहान जेएस और इस लड़की का नाम बता रहे हैं ईशान। सर पता चल गया, जो आदमी गन लेके धोबी घाट में गया था उसका नाम जब्बर है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। ये क्या कह रहे हैं आप लोग सर? ताशिया मैडम को किसी ने मार डाला, ये कैसे हो गया? किसने मारा ताशिया मैडम को? एक्टिंग अच्छी कर लेते हो यार, वाकई अच्छी एक्टिंग करते हो। तुम्हारी बॉस ताशिया मैम और ईशानी को तुम धोबी घाट लेके जाते थे हर महीने, जैसे आज भी गए थे, मगर आज वहां पर किसी ने गोलियां चलाए। सर ताशिया मैडम मेरी बॉस थी, अब अगर उन्हें हर महीने धोबी घाट जाना है तो मुझे तो लेके जाना ही पड़ेगा ना। हाँ वहां गोली चली थी, पर पता नहीं किसने और क्यों चलाई। तुम लोग वहां किससे मिलने गए थे, कौन था वो, और वो नारंगी साड़ी वाली औरत कौन थी जिससे ताशिया मिलने वाली थी? मुझे नहीं मालूम सर, ताशिया मैडम को किसी से मिलना था, मिलनी बस, उसके बाद वहां गोली चल गई और हम लोग वहां से भाग निकले। तुम लोग वहां से भाग निकले मतलब दया? विहान ने कुछ नहीं किया है, है ना विहान? हाँ सर। सर अगर इसने कुछ नहीं किया तो इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। ये दोनों अकेले में क्या बातें कर रहे हैं? तुम सच नहीं बोल रहे हो ना, तो तुम्हारे साथ क्या करना है ये सोच रहे। देखो भाई, अब तुम्हें पकड़ा है तो ऐसे ही छोड़ के हमारी मेहनत बेकार तो नहीं कर सकते ना? क्या ठीक है सर, तो ऐसे ही करते हैं। वैसे भी ये तो कुछ बता नहीं रहा है, वहां ईशानी बताने को तैयार है सर, तो मैं अभिजीत से कह देता हूँ कि उसे छोड़ दे, उसने सब बता दिया है। और इसके साथ क्या करना है सर, मैं जरा सोचता हूँ। क्या 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 कहा आपसे ईशानी ने सर? क्या क्या कहा आपसे? गाड़ी के अंदर से उसने कुछ तो बोला होगा, कुछ तो सुना होगा तुमने सर? मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बोला, बाद में मुझे दूर खड़े रहने के लिए कहा था। कुछ नहीं सुनाई पड़ा तुम्हें? वाह अभिजीत, इससे कुछ पूछने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? विहान सब कुछ बताने के लिए राजी हो गया, वैसे भी इसने हमसे झूठ कहा है। इसी साहब कह रहे हैं कि इसे कस्टडी में रखो, इसके साथ क्या करना है बाद में देखते हैं। सर मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, तो विहान को सब कुछ पता है, उसको ये भी पता है कि ताशिया ने अंकित को मारने के लिए केतकी को गन दी थी। सर उसको सब कुछ पता है। मैं ओहो अच्छा अच्छा, तो वो नारंगी साड़ी वाली का नाम केतकी है। अपना काम तो हो गया है, मार दो इसको। ये
गोली चलने की आवाज, किसको किसको मारा है आप लोगों ने? क्या है विहान, कभी कभी पड़ता है मारना किसी को, है मतलब काम है गलत, पर क्या करें, करना तो पड़ता है। सर मैंने बार बार कहा सच बोल दो, लेकिन गोली चलानी पड़ी सर। लेकिन मरने से पहले वो बोल गए कि इस विहान ने ही ताशा का खून किया है किसी केतकी के साथ मिलकर। मैं तो केतकी को आज पहली बार मिला था। ताशा अपने बिजनेस पार्टनर अंकित ककुन केतकी से करवाना चाहती थी। मैं तो बस मीटिंग करवाने के लिए लेकर गया था, और क्योंकि ताशा के लिए काम मैं अक्सर किया करता था। मैं ताशा को मारना चाहता था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। ईशानी ने आपसे झूठ बोला है। झूठ के पैर नहीं होते हैं। ईशानी भी जिंदा है और तुम भी जिंदा हो। अब बताओ धोबी घाट पर तुम दोनों के अलावा ये दोनों भी थे, कौन है ये दोनों लोग? कौन है ये ईशानी? सर सर ये तो रमोना अंकित की सेक्रेटरी, ये पता नहीं कौन है। ले जाओ इन दोनों को। चलो इस पति पत्नी से मिलना पड़ेगा, अंकित और केतकी से, और ये रमोना और चप्पन, ये दोनों भी उनसे मिले हुए हैं। चला कौन है? गोली कहां से चल रही है? तो कोई अलार्म लगता है। क्या कोई अलार्म? पहले इसे बंद करना होगा। देखते हैं ये केतकी और अंकित कहां छुपे हैं। कौन? हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। अभिजीत, चप्पन है, कॉन्ट्रैक्ट खेला, शिकार करने आया था, खुद ही शिकार बन गया। सर हाँ? सर ये देखिए, ये विग और ये ड्रेस वहां बाथरूम में मिला, लगता है जल्दी जल्दी भागने के चक्कर में यहीं फेंक दिया। ये कौन हो सकता है? वो दरवाजे पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है ना, उसकी फुटेज चेक करते हैं, देखते हैं कौन आया और कौन गया।
देखते हैं पिछले 24 घंटे में क्या क्या हुआ यहाँ पे। अरे ये कौन लड़की है? ये विग और इसके कपड़े तो अभी बाथरूम में मिले। सर बालों का रंग और कपड़े चेंज हो चुके हैं, लेकिन हील्स इसने वही पहन रखी है। इसका मतलब है ये वही लड़की है जो अंदर गई थी। इसने कपड़े और विग दोनों क्यों चेंज किए? इस लड़की की हाइट जो है बाहर लैंपपोस्ट के बराबर ही है। मतलब तकरीबन 5 फीट 6 या 7 इंच। आगे बढ़ा। लगता है ये केतकी ही है। खुलिया बदल के यहाँ से निकल गई। जब्बन की कोई फुटेज दिख नहीं रही है। इसका मतलब जब्बन इस घर में पीछे के दरवाजे से आया होगा। केतकी ने मौका देख के इसका खून किया और ये अपना हुलिया बदल के यहाँ से निकल गए। सर केतकी? हाँ? केतकी तो अभी आ रही है, तो फिर वो विग वाली लड़की कौन थी? ये बैग में क्या लेकर जा रही है और इतनी जल्दी? कित आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि सैंडल वीग और लड़कियों के कपड़े पहनकर कोई हमें धोखा दे रहा है? दिखने में तो औरत लग रही है, हो सकता है वो आदमी हो सकता है। पता चल जाएगा। पहले काम करो, ये अंकित और केतकी इनके जरा सेलफोन ट्रेस करो, देखो कहां पे हैं। सर यही वो जगह है जहां पर केतकी का फोन आखिरी बार ऑन था। मेरे पैसे लेकर भाग रही थी तू? मेरे पैसे? तू जानती नहीं है मैं कौन हूं? तू जब्बन के हाथ से तो बच गई थी, लेकिन मेरे हाथ से नहीं बचेगी। और वैसे भी तेरे मरने के बाद तेरे इंश्योरेंस के 10 करोड़ भी तो मिलेंगे मुझे। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे ना तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था। अंकित मुझे ना सब पता है कि तुमने जब्बन को पैसे दिए थे मुझे मरवाने के लिए, और आशिया को भी तुमने ही मरवाया है। पहले अपनी क्राइम पार्टनर को मार दिया और अब अपनी बीवी। बोलने का मौका नहीं मिलेगा। बेबी गुड बाय। गन नीचे अंकित। जब्बन का गब्बन बना दिया है किसी ने। जब्बन का गब्बन ऐसा लेटा पड़ा था
उस बेचारे को पता भी नहीं चला होगा उसके खुले मुंह में कितने मच्छर चले गए होंगे। और उसकी हालत किसने की? उसी ने की जो बिल्कुल तुम जैसे ही थी, बिल्कुल ऐसा ही वेग, ऐसा ही चश्मा, ऐसे ही कपड़े और ऐसी ही सेंट। वो जो भी थी ना, बिल्कुल तुम जैसे थी, और उसी ने गब्बन को मारा। सर आप आके जानते हैं कि लड़की ने किया है तो हमें क्यों पकड़ा है? सर कोई लड़का भी हो सकता है लड़की के भेस में, नहीं? सर तो भाजी वाली मिल गई है, इसने उस रात उस लड़की को अंकित और केतकी के घर से निकलते हुए देखा। आइए इधर देखो कौन है इनमें से, अपना घूंघट उठा और जाकर देखो, और जल्दी। आगे इनमें से तो अब क्या हो गया? तुम कह रहे थे तुमने देखा है उसे, तो फिर देखो अच्छी तरह से देखो। मैं दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? ये क्या है सर? इसने जूता पहना है, ये भाजी वाली नहीं है। नहीं सर, ये भाजी वाली नहीं है। अरे भाई, अरे अरे सुनो, अरे ओ ओ भाई सिस्टर, रुको रुको रुको, कहाँ जा रही है? सर ये लड़की बनने का काम मुझसे मत करवाया कीजिए सर, मैं कोई लड़की लगता हूँ? ये फ्रेडी सर को ढंग से साड़ी भी बांधने नहीं आती है, ये देखिए यहाँ से खुल रही है, अब ये फंस जाते तो? अरे फंसते तुम्हारी ओवर एक्टिंग की वजह से। ओवर एक्टिंग करने किसने कहा था? चल जाओ फाड़ बोल गया। उसने तुम्हें क्यों पहचाना, तुम्हें क्यों चुना? झूठ बोल रही है वो भाजी वाली, मैंने नहीं मारा है जब्बन को। तुम अंकित की सेक्रेटरी थी है ना? हाँ। तो अंकित जब फोन पर बातें करता था सब सुन लेती थी। जब्बन ने अंकित को फोन किया था? हाँ। तो क्या बोला वो? अंकित ने जब्बन से बोला कि मेरी बीवी का खून कर दे। सर एकदम झूठ बोल रही है सर ये। अच्छा तो तुमने सोचा क्यों ना कुछ पैसे बना दिए जाए, तुम जाके केतकी से मिले। सर केतकी ने मुझे बताया कि उसे ताशिया ने गन दी है अंकित को मारने के लिए। झूठ बोल रही है, दिमाग खराब है क्या तेरा? तो तुमने अंकित को बता दिया कि ताशिया तेरी जान के पीछे पड़ी हुई है, है? हाँ, अंकित ने बोला कि वो ताशिया को ही मार देगा। सर ये रमोना ना, मुझे पता होता ना कि तू मेरी सेक्रेटरी नहीं आस्तीन का सांप है ना, कब का निकाल देता। सर जरा मेरी बात सुनिए सर, सर सर केतकी ने मारा सर उसको एक्चुअली, और उसके बाद भाग गई सर वो वहां से। नहीं सर ये झूठ बोल रहा है, मैं कहीं नहीं भागी, मैंने ताशिया को गिरते हुए देखा था, मुझे लगा उसे अंकित ने मारा होगा, लेकिन अंकित तो आसपास में था ही नहीं। हाँ फिर सर मैंने एक कोने में ना इसे इसे छुपा हुआ देखा। हाँ सर इसी ने मारा है ताशिया को ताकि इनकी गैंग का लीडर बन सके। तू झूठ क्यों बोल रही है? हाँ तेरा तेरे पति के साथ झगड़ा है, तू मुझे क्यों फंसा रही है? सर सर ये झूठ बोल रही है, मुझे फंसा रही है सर,
तब मुझे लगता है कि खून ये इसने ईशानी ने किया सर, सिर्फ नहीं किया सर। पागल हो गए सर, ये कुछ भी बोल रहा है। और सब वैसे भी नादनी लोगों पर कभी भरोसा ही नहीं करना चाहिए। जब फंस जाते हैं तो तुम्हारी पैंट गीली हो जाती है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें एक मासूम लड़की पर इल्जाम लगाते हुए। बात हो गया, इन सब की हाइट नापो। Five, six and a half. खून निशानी ने किया है। केतकी को पता चल गया था कि ताशिया मैम को मैंने मारा है। वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। उसने कहा था अगर मैं जब्बन का खून कर दूंगी तो वो आप लोगों को कुछ नहीं बताएगी। सर बस आप लोगों से बचने के लिए मुझे जब्बन को मारना पड़ा। और ताशिया? सर ताशिया ने मेरे भाई को किडनैप कर लिया था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था सर। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अपने भाई को कैसे बचाऊं। इसके लिए मुझे ताशिया को मारना पड़ा। देखो ईशा, अब तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी, उसकी देखभाल हम लोग करेंगे, पर तुम्हें तो सजा भुगतनी ही पड़ेगी। तुमने एक बहुत बड़ा जुर्म किया है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.